सवेरे सीबीडी अग्निशमन केंद्र में हमारा जो सीबीडी का अग्निशमन केंद्र है वहाँ पे सवेरे 4:50 को कॉल आया कि सीबीडी जो शाहबाज में बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। तो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है तभी हम तुरंत हमारी टीम और हमारे अधिकारी यहाँ पे आए। दो लोग थे जो अंदर फंसे हुए थे मलबे के अंदर, इसका नाम है सैफ अली और रुस्कर खातून करके है। इनको हमने जीवित बाहर निकाला क्योंकि काफ़ी रिस्क था, थोड़ा रिस्क उठा के हमने उनको बाहर निकाला अधिकारी और कर्मचारी। और एक मोहम्मद सिराज करके हैं, अभी वो मिसिंग है ऐसा मालूम गिरा है। हाँ, तो अभी फिलहाल अपना बाकी का जो बचा कार्य वो चालू है। अभी कितना लोग? हाँ, इसमें वाशी अग्निशमन केंद्र, सीबीडी अग्निशमन केंद्र, नेरुल अग्निशमन केंद्र के अधिकारी कर्मचारी है 60 से 70 लोग और NDRF की टीम भी है यहाँ पे। सवेरे सीबीडी फायर ब्रिगेड में सवेरे 4:50 का कॉल है। दो जन अटके रहने का अभी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम यादव, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी नवी मुंबई महानगर। ये 10 साल ही पुरानी लगती है। तो बिल्डिंग 5 बजे के पहले ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई। ये G+3 की बिल्डिंग है, सेक्टर 19 और शाहबाज करके विलेज है। ये बेलापुर वार्ड में आती है। यहाँ करीबन 3 G+3 माले या 4 माले की बिल्डिंग यहाँ खड़ी थी। उसमें करीबन 3 शॉप थे और 13 आपके फ्लैट थे। तो उसी में करीबन आजकल 39 लोग और 13 बच्चे, ऐसे कुल मिला के 52 पीपल बाहर निकल रहे हैं। 2 लोग रेस्क्यू किए थे जो ट्रैप हुए थे, और भी 2 लोगों की आशंका है कि वो ट्रैप हुए होंगे। NDRF की टीम है, हमारी NMMC की टीम पे भी साइट पे है। मैं भी साइट पे आया था 6 बजे मुझे पता चलने के बाद, और हम हमारी रेस्क्यू वर्क चालू है अभी, जो आपको आगे बता जाएगा। और जो लोग रेस्क्यू किए उनको हमने अपने इस पे रेस्क्यू शेल्टर में भेज दिया है वो फैमिलीज को, और 2 जो एडमिट हुए वो भी हॉस्पिटल में, दे आर ऑल्सो स्टेबल। ये 10 साल ही पुरानी लगती है। अभी तो बिल्डिंग क्यों कोलैप्स हुई 10 साल में, उसका हम ये करेंगे, छानबीन करेंगे, उसकी इंक्वायरी होगी, और जो किसकी बिल्डिंग होगी तो उसको कोई उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे।